जनपद रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला है। यहां 18 सदस्यों वाली जिला पंचायत में टेंडर प्रक्रिया एवं बोर्ड बैठक में तय प्रस्तावों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से ज्यादातर सदस्य नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जिला पंचायत सदस्यों की नाराजगी अपर जिला पंचायत अधिकारी की कार्य प्रणाली को लेकर है। इधर अपर मुख्य अधिकारी के ऑफिस में ताला लगा है। बताया जा रहा है कि वे छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में जन विकास के कार्य को कैसे धरातल पर उतारा जाएगा। जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह नेगी का कहना है कि अगस्त माह में बोर्ड बैठक होने के बाद जनहित के कार्यों के टेंडर समय पर न होने से सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। इसी क्रम में सविता भंडारी और शीला रावत ने कहा कि जनता द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों से जनता की बड़ी उम्मीदें रहती हैं ताकि जनहित के कार्य समय पर हो सके, मगर जिला पंचायत के अपर जिला पंचायत अधिकारी अपनी मर्जी से अंदर ही अंदर बिना सदस्यों के सहमति से कार्य करवा रहे हैं, जिसको लेकर सभी सदस्यों में नाराजगी है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पे आई और जो हमारी समस्याएं हैं उनका संज्ञान लिया। जिला पंचायत में दो हमारी जो मेन मुद्दे थे कि जो हमारी बोर्ड बैठक 8 अगस्त को हुई थी और उसका जो हमें कार्यवृत्त है वो 2 महीने बाद दिया जाता है, और जो प्रस्ताव बोर्ड बैठक में आते हैं उनको धरातल पर नहीं लिया जाता है, बल्कि जो 10 दिन पूर्व जिसकी घोषणा हुई है उनके टेंडर उस निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, और इससे हमारे सब सदस्यों की नाराजगी है। जिला पंचायत की कार्यप्रणाली पे तो पहले से निशान और सवालिया निशान पे लगी रहे हैं। अब बोर्ड की बैठक में जो भी योजनाएं सदस्य लोग रखते हैं तो उसको प्रोसीडिंग में नहीं लाते हैं, और एमए और अध्यक्ष जी की मिली भगत कह सकता हूँ या फिर निर्माण वालों की मिली भगत से ये प्रोसीडिंग में न आने के कारण हमारी योजनाएं बाधित हो जाती हैं और अपने स्तर से वो नई नई योजनाएं वहाँ चढ़ा देते हैं। अभी पिछले हफ्ते जब इन्होंने टेंडर निकाले तो उससे पता चला हमें कि प्रोसीडिंग में जो चीज़ें बात बोर्ड बैठक में हुई वो तो सामने कुछ दिखा नहीं, लेकिन इन्होंने कम से कम 50 और 60 लाख रुपये के लगभग इन्होंने टेंडर निकाले और वारा न्यारा करने की इन्होंने पूरी ठान रखी थी। इसी संदर्भ में हमने निदेशक को, पंचायत राज निदेशक को भी पत्र लिखा, जिलाधिकारी के माध्यम से उनको दिया, बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत की है, और यहाँ तक देखा हमने कि एमए जो कि हमारे लोगों के प्रति, हमारे अपने सदस्यों के प्रति या जनप्रतिनिधि के प्रति उसकी भी कोई। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि हमारा जो जिला पंचायत का 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल खत्म होने के कागार पे है, और अभी अभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी नाराज़गी यही है कि जो जिला पंचायत में जो बैठकें बोर्ड बैठक होती है, जो बोर्ड बैठक में जो योजनाएं तय की जाती है उन योजनाओं पर कैसे करके काम होना है और कब काम होना है, कब टेंडर प्रक्रिया होती है, कब कोटेशन होता है, समय पर न लगने के कारण हम लोगों की नाराज़गी है। और जो हमारे अपर मुख्य अधिकारी जी है, सबसे ज़्यादा नाराज़गी अपर मुख्य अधिकारी जी, उनका स्वास्थ्य खराब भी होगा फिर भी उन हम 18 लोगों को संज्ञान में डालना चाहिए और विश्वास में लाना चाहिए। अपर मुख्य अधिकारी एक जनसेवक होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, वो हम जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, जन सेवक का काम होता है कि किसी का लेटर न छुपाना। मामला तो ये सबके संज्ञान में मैं समझती हूँ कि आ चुका है। हमारे सब जनप्रतिनिधि ने यही विरोध किया है कि हमारे हक की लड़ाई जो है वो सुनी जाए, और जो टेंडर प्रक्रिया गलत उस दिशा में जा रही उसको सही करने का अपर मुख्य अधिकारी काम करें, क्योंकि अपनी मनमानी अपर मुख्य अधिकारी जी से हमारी नाराजगी भी है और वो अपनी मनमानी से जिला पंचायत को चला रहे हैं। बस धन्यवाद।